इंदौर में चंदन नगर पुलिस ने सिरपुर तालाब क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। चंदन नगर पुलिस को लगातार इन जुआरियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद टीमें गठित कर जुआरियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया गया है, वहीं ऐसे में सिरपुर तालाब के पास बड़ी संख्या में जुआरी इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मजदूर की वेशभूषा में ट्रक में सवार होकर इन जुआरियों की घेराबंदी की और मौके से 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल व 25,000 रुपए से अधिक नगद बरामद किया है। सर, लॉकडाउन के दौरान कुछ जुआ खेलते आरोपियों को गिरफ्तार करा, क्या है पूरा मामला? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सिरपुर तालाब के पीछे दरगाह के पीछे काफी बड़ा जो बैक एरिया है तालाब का, इसमें कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हैं। इस सूचना पर से CSP महोदय का अवगत कराया गया और CSP महोदय के द्वारा 4 थानों का बल इकट्ठा किया गया, जिसमें चंदनगर, अन्नपूर्णा, राजेंद्र नगर और द्वारिकापुर, इन 4 थानों से बल हम लोग अन्नपूर्णा थाने पर इकट्ठे हुए और वहाँ से चूँकि इतनी भारी संख्या में पुलिस जाते हुए देख के इनको खबर होने की संभावना थी, इसलिए मुख्य जो अटैकिंग पार्टी थी उसको डंफर में रवाना किया गया था कि पहचान में ना आए और मजदूर बनके जो है उसमें बैठे रहे। वो जैसे ही नज़दीक पहुंच गए तो तत्काल उतर के इन लोगों ने वहां पे इनको पकड़ लिया और एक पार्टी अन्नपूर्णा टीआई साहब के नेतृत्व में आकाश नगर तरफ से आई, जिधर भागने की संभावना थी, और तीसरी पार्टी राजकुमार बाघ की तरफ से जो सिरपुर पाल है उसकी तरफ से गई थी। तो चारों तरफ से इनको घेर के सभी को पकड़ लिया गया और इसमें टोटल 42 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया और 24,000 रुपए से अधिक राशि इनसे जब्त की गई। सर, पूछताछ में कुछ बताया इन्होंने, लग रहा मतलब कई लोग ऐसे गरीब टाइप, इसमें कुछ लोग हैं जो मुख्य रूप से हैं, समीर चिकना, एक शाहरुख पटेल राजकुमार बाग का है, एक बिया शाहरुख करके है, ये लोग आतंक जुआरी हैं जैसे इनके बारे में जानकारी मिली है, और ये वहाँ बैठ के जब जुआ खेल रहे थे तो उनको देखा देखी आसपास के और कुछ लोग जिनको शौक लगा वो भी वहाँ पहुँचते चले गए और इस तरह से वहाँ काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। जैसी सूचना मिली इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई। सर, जुमा एक्ट के साथ इन पे धारा 144 का उल्लंघन भी, क्योंकि एक साथ ये थे वहाँ पे, ये अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए थे, कहीं पे 5-7 बैठे हुए थे, कहीं पे 8-10-12 बैठे हुए थे, इस तरह से अलग अलग ग्रुपों में वहाँ बैठे हुए थे और चारों तरफ से घेराबंदी करके इनको पकड़ लिया।